भैया राम राम आप देख रहे बुंदेली चुगली, हमें राजेंद्र त्रिवेदी मैं सहयोगी हूँ मुकेश वेरा की। लाइव प्रस्तुति है जिला अस्पताल से। पूरे जिला में भैया हरो कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई। गरीब को कोई सुनवाइया नहीं है, खासतौर से पुलिस विभाग राजस्व विभाग जी को हम हर खबर में जिक्र करें, चाहे जितनी बड़ी घटना घट जाए लेकिन रवैया वही है। देखो आज जिला अस्पताल से या लाइव प्रस्तुति कि जहां कुल्हरिया से हमला करोगे कुल्हरिया से मारोगे लेकिन पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही। आखिर काय नहीं दर्ज हो रही FIR? इनकी कहानी इनकी जुबानी सुनवा भी हम आखिर मामला है का भाव का है इनके संगे। भैया का नाम है? मुन्ना सेन। कहाँ से? मोतीपुरवा से। क्या घटना घटी? हमारे साथ में एक घटना घटी। हम एक खेत में अपनी तार बारी लगा रहे थे, मियाँ बीवी दोनों आदमी, तो वहीं पर मेरा मकान बना, मेरे को घर ही के पास में है। तो हीरा लाल लोधी वहाँ से निकला, बोला मैं चला गया टट्टी होने, ये अकेले रह गई। तो इससे बोला यहाँ हरी बारी क्यों लगा रही, गाली गलौज करने लगा। किसने बोला? हीरा लाल लोधी। और इसके बाद फिर इसकी मारपीट करने लगा, खबूरी निगाह से खर तोड़ने लगा। तो चिल्लाई तो मैं दौड़ लगा के पहुंचा तो मेरे उसने कुल्हाड़ी मार दी। कुल्हाड़ी मार दी। फिर इसके मैं बेहोश हो गया। फिर मुझे पता नहीं चला कि ये क्या हुआ, कैसा क्या हुआ। थाना में रिपोर्ट कराई? थाना में रिपोर्ट करने गए तो मुझे होश नहीं था, भाई लोगों ने रिपोर्ट की। हाँ, पर इसकी रिपोर्ट किसी ने नहीं यहाँ लिखी है। इनकी FIR नहीं करी। कौन कौन धारा लगाई थानेदार ने जो पता? हाँ, जो पता है 292, 323, 324, 506। आपका क्या? हम चाह रहे हैं श्रीमान जी, हमारे कुल्हाड़ी से प्रहार हुआ है, उसे सजा मिलना चाहिए कुल मिला के। और वो मान लो छोड़ दिया गया है, उस घूमता है, जाएंगे यहाँ से फिर वो प्रहार करेगा। हमारी हाईवी पार्टी पैसे वाले लोग हैं वो लोग, और उनकी जमात ज्यादा है, हमारा कुल अकेला घर है वहाँ पे। मामूली धारा में अपराध कायम भाव कुल्हाड़ी का प्रहार है। तो भैया जो है इनको कहो जो है कि मामूली धारण के अंदर अपराध कायम करोगे है, जबकि कुल्हरिया से बार भाव है तो अपराध बड़ो भाव चाहिए ताकि उसका जेल हुए। और अगर वो जेल नहीं जा रहे वो फ्री घूम रहे हो तो इनकी जान का खतरा है। ऐसे ना अगर बाहर घूम रहे तो खतरा है। वो ये कह रहा है कि जब तुम वापस छतरपुर अस्पताल से वापस आओगे तो तुम्हें फिर भी मारेंगे। और कहती है कि अभी तो कुछ नहीं हुआ, इस बार तो जानी से मार देंगे। जमीनी लड़ाई है? जमीन को विवाद नहीं, जमीनी विवाद नहीं है। जैसे हम अपनी जमीन पे वो चिड़न है एक उनकी। अच्छा। हाँ, कि हमारा अकेला घर है, हमें सेन समाज से, और वो है राजपूत, उनके हमारे 10-15 घर अकेले हैं। वो चेटते हैं कि अगर ये हमारी गुलामी नहीं करेंगे तो हम सालों को मारेंगे, गांव से भगाएंगे। उनका मेन मुद्दा है, वो अभी भी कह रहे हैं कि साले आते ही राजीनामा नहीं अगर दे रहे हो, अगर राजीनामा नहीं दोगे तो जान से मार के फेंक देंगे साले। जो है भैया कि राजीनामा ना दे हो तो जान से मार के फेंक देगी, छतरपुर से लौट के आओ तो जान से मार के फेंक देगी, लेकिन पुलिस इसका गंभीरता से नहीं ले रही। पुलिस ने मामूली धारण में अपराध कायम कर दो है,